हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, ऑनलाइन टेस्ट हमने किस तरीके से ओपन करना है, किस तरीके से उनके आंसर लिखने हैं और किस तरीके से उनको सबमिट करना है, इस बारे में बताया था। पर कल की वीडियो के बाद जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने डेमो टेस्ट कंप्लीट किया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, पर बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत तरीके से लिखा है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने आंसर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो आंसर जैसा है उसे वैसा ही लिखना है। तो चलिए अब बात करते हैं डेमो टेस्ट के रिजल्ट की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर रेड क्रॉस किया गया है और कहीं पर ग्रीन टिक किया गया है। तो रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि रेड क्रॉस क्यों किया गया है। जब आपका आंसर गलत होता है तो रेड क्रॉस किया जाएगा। जैसा कि इस बच्चे ने आंसर गलत लिखा है, तो जिस वजह से इनके रिजल्ट पर रेड क्रॉस किया गया है। अब किसी दूसरे बच्चे का देखते हैं, जैसे कि ये इस बच्चे ने लगभग आंसर सही लिखा था, पर लास्ट में एक अल्फाबेट गलत होने की वजह से इस बच्चे का आंसर भी गलत हो गया है, जिस वजह से रेड क्रॉस किया गया है। तो आप लोग टेस्ट देने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप टेस्ट कंप्लीट करें, सबमिट करने से पहले एक बार अपने आंसर को फिर से चेक कर लें।